एक महंगा पीसी और लैपटॉप लेने के बाद ना बंदे की हिम्मत खत्म हो जाती है। फिर बंदा सोचता है यार अब क्या माउस कीबोर्ड कैसा लिया जाए। तो अगर सस्ते में बढ़िया माउस आपको बता दो जिसमें मतलब लाइट भी हो, गेमिंग लुक भी हो और आराम से आपका काम भी चलवा दे, तो जो भी लोग सस्ता और बढ़िया माउस ढूंढ रहे थे ना उनके लिए लेके आए ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर एम माउस। वैसे ट्रांसफॉर्मर एक कॉम्बो आता है, इसमें कीबोर्ड माउस होता है। एक्चुअली मेरे को जब कॉम्बो मंगाना था तो कॉम्बो मिला नहीं, उस टाइम कीबोर्ड अवेलेबल था, मैंने कीबोर्ड मंगा के रिव्यू कर दिया, उसकी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। अब फिर लोग कह रहे थे भैया उसका माउस का रिव्यू करो क्योंकि कुछ को सेपरेट माउस खरीदना, उसका कीबोर्ड का रिव्यू अच्छा है नहीं क्योंकि कीज में लाइट वाइट नहीं दिखती। खैर आप वीडियो देख लेना, उसमें दो तीन कीबोर्ड से कंपेयर कर रखा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इसका माउस रिव्यू करेंगे, 400 रुपए के लगभग इसका माउस है। तो देखते हैं 400 रुपए में ये वर्थ इट माउस है या नहीं। 400 रुपए कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट तो होती नहीं है, तो उसमें कैसी क्वालिटी डिलीवर करता है, कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, कैसी बिल्ड है इसकी, तो वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फटाफट से वीडियो कर दिया जाए लाइक, पहली बार आया तो सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर एम लिखा है, यहाँ पे आपका माउस बना है और बाकी यहाँ पीछे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैक्सिमम 3200 डीपीआई है इसके अंदर, यूएसबी इंटरफेस, ऑब्वियसली आज के डेट में सारे यूएसबी वाले आ रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड यूएसबी। भाई साहब गोल्ड प्लेटेड, 400 रुपए में सोना मिल जाएगा, अमीरी। ब्रीदिंग लाइट इफेक्ट लिखा है, ब्रेडेड केबल, 6 बटन है इसके अंदर। तो अनबॉक्स कर लेते हैं इसको। तो एक निकलता आपका पन्नी के अंदर माउस और एक साथ में इसकी ये यूजर मैनुअल टाइप है, थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन दी है और बाकी में इससे कोई मतलब नहीं है। गाइज आपको एक बात बताऊं, इसका नाम ट्रांसफॉर्मर क्यों है, ये पहले चूहा था फिर ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो इसका नाम ट्रांसफॉर्मर एम रख दिया, समझ रहे हो, मतलब माउस का एम बन गया और ट्रांसफॉर्मर, और बहुत ही सुंदर चूहा ट्रांसफॉर्म। कुछ भी भाई आप लुक देखो इस माउस की, क्या प्यारी लुक है, एकदम ऐसा फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है इसका। यहाँ पे इसका स्क्रॉल व्हील है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्लिक है, ये डीपीआई का बटन है, यहाँ ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ सिल्वर कलर का प्लास्टिक है और ऊपर जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा रबराइज टाइप का टेक्सचर है और यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन है, यहाँ पे दो स्क्रू बने हैं और इधर भी दो स्क्रू बने हैं और पीछे से ये मेटल प्लेट लगी है इसके अंदर। तो ओवरऑल जो लुक है ना इसकी यार वो बहुत प्यारी सी है, मतलब ऐसा एकदम फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है और वेट भी काफी ठीक ठाक है, 130 ग्राम इसका वेट मेंशनड है इसके बॉक्स में। और यहाँ पे आप वायर क्वालिटी भी देख सकते हो, कितनी बढ़िया क्वालिटी के वायर है, एकदम ब्रेडेड और हमारा सोने से लिपटा हुआ यूएसबी पोर्ट। तो ये तो होगी माउस की आउटर्स की बात, अब आपको क्लोज लुक दे दी जाए थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हो ना, हमारे चैनल की जो एक यूएसपी है म्यूजिक के साथ सिनेमैटिक्स और एकदम गेमिंग वेमिंग करके सब दिखा देता हूं और फिर आपको कंक्लूजन। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, यार जिस प्राइस रेंज में माउस है ना मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। इसकी जो पकड़ने में फील है, जो इसकी ग्रिप है वो भी बहुत बढ़िया है और ओवरऑल लुक तो आपने देख ली, लुक कितनी प्यारी है। तो जो प्राइस आप पे कर रहे हो ना उसके हिसाब से आपको बढ़िया चीज मिल रही है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा हाँ तुम्हारे को बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है, अब 400 रुपए स्पेंड कर रहा था उससे ज्यादा उम्मीद मत करना, बट 400 रुपए में जो चीज डिलीवर कर रहे हैं ना वो ज्यादा अच्छी है। अगर आपका बजट 400 या 500 रुपए से ज्यादा है तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, बट अगर आपका बजट 400-500 रुपए ना तो ये वाला माउस तो मुझे बहुत सही लगा भाई, तुम ये ले सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया फील आई इसको यूज करने के बाद, ऐसा नहीं लगता वो सस्ता और बेकार सा माउस चला रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसे यूज करके। बाकी अगर आपको इसका कॉम्बो लेना है तो इसका लिंक और इसके कॉम्बो का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये भी मैंने अपने व्यूअर्स की डिमांड पे किया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया ये वाला माउस रिव्यू करो, तो मैंने सोचा चलो मंगा लिया जाए और लिटरली ये वर्थ इट है। बाकी अगर आपको कोई और बजट वाली चीज का रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं कोशिश करूंगा उनका रिव्यू करने की। वीडियो को लाइक तो जरूर मार देना। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।